नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं ESPN 9 न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अतीक को लेकर आ रही है दर्शकों, और अतीक को लेकर इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हैरान करने वाली है। जी हां दर्शकों, आपको बताते चले हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर दरअसल जो है अतीक को लेकर, उनके काफिले को लेकर है। दिल्ली में अतीक का काफिला एंट्री कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि साथ चलोगे तो एक्सीडेंट करवा देंगे। यूपी में अतीक के काफिले की एंट्री होते ही किस तरीके से धमाके हो रहे हैं, जरा गौर से सुनिए। माफिया अतीक अहमद की वैन चला रहे पुलिस वैन के ड्राइवर ने मीडिया से बात की। ड्राइवर टीम ने कहा, गाड़ी के पास चलोगे तो एक्सीडेंट करवा देंगे। मीडिया वाले ड्राइवर का ये बयान अभिषेक नितिन के कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है। माफिया अतीक अहमद का काफिला उत्तर प्रदेश के सीमा में आ चुका है। गुजरात मध्य प्रदेश के बाद चौथे राज्य उत्तर प्रदेश में काफिले की एंट्री हो गई है। बताया जा रहा है कि झांसी पहुंचने के बाद काफिले को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में चित्रकूट से प्रयागराज ले जाया जाएगा। अतीक अहमद से जुड़ी हर खबर हम आपको बता रहे हैं। टीम के तीन से चार रिपोर्टर इस वक्त पूरी तरह से अतीक अहमद के काफिले पर नज़र बनाए हुए हैं। रिपोर्टर मनीष शर्मा, हालांकि ये ABP न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, और बहुत सारे भी रिपोर्टर हैं जो इनको कवर कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या अतीक बच पाएगा, क्या वाकई अतीक का इनकाउंटर हो जाएगा। ये तमाम अहम सवाल है, और इसको लेकर ये भी सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि क्या कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं है, क्या कानून सिर्फ और सिर्फ इनकाउंटर करने के लिए बना है। योगी सरकार पे सवाल भी उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि इन सब के बीच में अतीक को लेकर क्या कुछ होता है, क्या वाकई में यूपी में एंट्री होते ही उनका इनकाउंटर हो जाएगा। ये सवाल हम आप पे छोड़ते हैं, कमेंट कर हमें जवाब जरूर दीजिएगा। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, ESPN 9 न्यूज़।